हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा। हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया वो था मनी। अब मनी से ही एसोसिएटेड दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बैंकिंग। बैंकिंग के बारे में डिस्कशन शुरू करने के पहले आप ये समझिए कि मनी एंड बैंकिंग दोनों आपस में मिला के करीब करीब 6 to 8 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। ठीक है, मनी टॉपिक को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने बहुत सारी बातें सीखी है, जैसे मनी क्या है, कैसे आया, कहाँ से आया, क्या पर्पस उसने हमारे लिए सॉल्व किए, एंड सो ऑन। मनी सप्लाई कौन करता है, एक डिस्कशन हमने उसमें किया था। तो वहाँ एक नाम हमको आया था कि कमर्शियल बैंक्स, बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री जो है वो भी मनी क्रिएशन करता है। तो इस पूरे चैप्टर में आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि मनी क्रिएशन जो बैंकिंग सिस्टम है वो किस तरीके से करता है। ठीक है, तो मेन टास्क जो है वो ये है कि बैंकिंग सिस्टम का मनी क्रिएशन कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बैंक्स आर द सप्लायर ऑफ द मनी। वी ऑलरेडी नो अबाउट इट दैट बैंक्स आर द सप्लायर ऑफ द मनी, बट वी ऑल्सो नो दैट दे कैन नॉट इशू करेंसी। इशू करेंसी करने का जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो फिर बैंक्स कैसे सप्लायर बन गए, ये एक बड़ा कंफ्यूजन है कि जब आप नोट इशू नहीं कर सकते, जब आप सिक्के इशू नहीं कर सकते, तो फिर आप सप्लायर कैसे। ठीक है, तो याद रखिएगा जीवन में, जब आपको किसी चीज़ की कोई अथॉरिटी नहीं मिलती तो उसके लिए रास्ता आप खुद को बनाना पड़ता है। बैंक्स भी यही करते हैं। बैंक्स क्या करते हैं कि आप जो पैसा बैंकों में जमा करवाते हो, पहले मैं बहुत थियोरेटिकली बता रहा हूँ, फिर अपन बिल्कुल एक टेक्निकल प्रोसीजर के थ्रू भी जाएंगे, एक एग्जांपल से भी हम समझेंगे। आप जो पैसा बैंकों के अंदर जमा कराते हो, ठीक है, उस पैसे को ही बैंक आगे किसी दूसरे को उधार अपने नाम से देके, बैंक ये थोड़े ही कहता है कि मैंने जो मिस्टर एक्स से पैसा लिया था, मिस्टर एक्स का पैसा मैंने वाई को दे दिया। बैंक तो आपसे यही कहता है कि सर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या हो रहा है, मैं जो बैंकों के पास पैसा जमा करवा रहा हूँ उस पैसे को ही बैंकिंग सिस्टम आगे से आगे उधार देता चला जा रहा है और इस तरीके से क्रेडिट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अभी आपको एक एग्जाम्पल से भी मैं समझाऊंगा, पहले अपन एक टेक्निकल प्रोसीजर समझ लेते हैं। चलो, सो देखो, बैंक रिसीव्स कैश डिपॉजिट। बैंक जो है आपसे, हमसे सबसे कैश डिपॉजिट लेता है। हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं, इस डिपॉजिट को हम प्राइमरी डिपॉजिट का नाम देते हैं। ठीक है, इस प्राइमरी डिपॉजिट को बैंक आगे लेंडिंग में काम लेता है, बैंक इसको आगे उधार दे देता है। जो ये बोरोवर लेंडिंग लेता है, लेंडिंग टू दी बोरोवर जो बैंक करता है, ये लेंडिंग को ही हमने पिछले चैप्टर में भी नाम देखा था, इसी लेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, बैंक मनी बोलते हैं, बिकॉज दैट लेंडिंग इज एक्चुअली जनरेटेड बाय द बैंक्स। गेटिंग माय पॉइंट? जब उधार दिया जाता है तो उसको हम बैंक मनी बोलते हैं। अब मैं आपको यहाँ एक छोटा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताना चाहता हूँ, तभी हमको अगला जो प्रोसीजर का अगला स्टेप है वो हमको तभी समझ में आएगा। ये जो बैंक किसी दूसरे को उधार दे रहे हैं, आपने कभी किसी से सुना है कि बैंक ने आपको कैश में उधार दे दिया? नहीं, बैंक कभी भी आपको कैश में उधार नहीं देता। बैंक कहता है कि अच्छा आपको लोन चाहिए, कोई बात नहीं, आपकी बैंक अकाउंट की हमें डिटेल दे दीजिए। आप गेटिंग माई पॉइंट? बैंक अकाउंट की डिटेल जब आप देते हैं तो आपसे का उधार लिया गया पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है, ना कि आपके हाथ में कैश आता है। सो फॉर एग्जांपल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप लोन मांगने गए और आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का अपना अकाउंट नंबर दिया है, तो क्या होगा, जितना आपका लोन का अमाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से डेबिट होके आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। इट इज सिंपल एज इट इज। आपको यह बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा, जब भी उधार दिया जाता है तो सिर्फ एक क्रेडिट एंट्री के थ्रू दिया जाता है। वो पैसा पहले भी बैंकिंग सिस्टम में ही था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, वो अब भी बैंकिंग सिस्टम में ही है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास। तो पैसा बैंकिंग सिस्टम से अभी तक बाहर नहीं गया है। क्लियर है? ये जो क्रेडिट एंट्री से पैसा आपके अकाउंट में शिफ्ट किया गया है,
तो आप देखिए किसी एक अकाउंट से पैसा निकल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से पैसा निकल के मिस्टर वाई के बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। क्लियर है? तो ये जो डिपॉजिट बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है इसको हम क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट। अब आपको दो बातें याद रखनी है यहां, बहुत जरूरी। आपने जो पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवाया था उसका नाम क्या था? प्राइमरी डिपॉजिट, क्योंकि यहां पे क्लाइंट और बैंकिंग सिस्टम आपस में डील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में पैसा जमा करवाया है तो यहां बैंक आपस में डील कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट। क्लियर है? याद रखिएगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को जब हम काउंट करते हैं तो हम प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों को काउंट करते हैं। डिमांड डिपॉजिट की कैटेगरी में प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों आते हैं, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं। अब जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी जो दोनों डिमांड डिपॉजिट्स हैं, अगर ये ज्यादा है रिजर्व से, मैं आपको रिजर्व्स का मतलब अभी समझाऊंगा, अगर टोटल डिमांड डिपॉजिट्स रिजर्व से ज्यादा हैं तो क्रेडिट क्रिएट होने का स्कोप बनता है। तो साहब यहां पे रिजर्व्स के बारे में हम समझते हैं। रिजर्व्स के बारे में अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि लीगली एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर बैंक को अपने पास जितना भी टोटल डिपॉजिट है, चाहे वो प्राइमरी डिपॉजिट हो चाहे वो सेकेंडरी डिपॉजिट हो, टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज हमेशा अपने पास रिजर्व में रख के चलना पड़ता है। इसका थोड़ा सा हिंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिया था, मैंने आपको वॉल्ट कैश, CRR और SLR के बारे में कुछ बताया था, अगर आपको याद आता हो तो। आपको याद नहीं भी आ रहा हो तो आप पुराना जो लेक्चर है उसको एक बार देख सकते हैं। वो जो पर्टिकुलर फिक्स परसेंटेज जो रिजर्व्स एज पर लॉ आपको एक तरफ रखने होते हैं बैंक में, अगर आपके पास टोटल डिपॉजिट उससे ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपको जो है टोटल रिजर्व्स रखने थे 2000 करोड़ का, यही एग्जांपल दिया था मैंने आपको पहले, 2000 करोड़ के रिजर्व्स आपको बना के रखने, लेकिन अगर आपके पास 10,000 करोड़ रुपये जमा है बैंक के अंदर एज अ डिमांड डिपॉजिट, तो आपके पास क्रेडिट क्रिएट करने का स्कोप बनता है। अब वो क्रेडिट क्रिएट कैसे होगी ये अभी हम समझेंगे एक एग्जांपल से। सो ऑल डिपॉजिट, जितने भी डिपॉजिट जमा है वो सबके सब मनी सप्लाई की कैटेगरी में आते हैं, ये हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं। आपके पास जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो मनी सप्लाई का पार्ट है, उस मनी सप्लाई में से आप अपने नाम पे क्रेडिट क्रिएट कर सकते हो एज अ बैंक, ठीक है। जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स जो ये बैंकिंग सिस्टम की तरफ से जनरेट होते हैं इन्हें हम बैंक मनी बोलते हैं, इस बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। नाउ एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि कैसे क्रेडिट क्रिएट होती है, ठीक है। इस तक पहुंचने के पहले हमको रिजर्व्स जो टर्म है इसको एक बार वापस समझ लेते हैं। हमने पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है, बट एक थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन और कर लेते हैं। देखिए CRR, कैश रिजर्व रेशो, CRR की फुल फॉर्म क्या है? कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो जो है ये वो रिजर्व है जो कि बैंक अपना एक डिपॉजिट्स का हिस्सा, दोबारा ध्यान से सुनिएगा, बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का एक हिस्सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एज अ सेफ्टी डिपॉजिट रखते हैं। ध्यान रखिएगा, CRR मतलब रिजर्व्स ऑफ बैंक विद RBI, ठीक है। लीगली रखना कंपलसरी है, कोई चॉइस नहीं होती है, बैंकों को रखना ही पड़ता है। दूसरी बात SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मतलब टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का, जो बैंकों के पास टोटल डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं उनका एक सर्टेन परसेंटेज, एक सर्टेन हिस्सा खुद के पास रोक के रखना होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, CRR वो जो बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना होता है, और SLR वो जो कि बैंकों को खुद अपने पास एक तरफ सेफ्टी के तौर पे रखना जरूरी होता है, उसे हम SLR बोलते हैं,
ठीक है, ये भी लीगली रखना जरूरी होता है, कोई चॉइस नहीं होती है बैंक के पास। सीआरआर और एसएलआर रख लेने के बाद अगर कभी बैंक की इच्छा होती है कि हमको तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए लिक्विडिटी के अंदर, ठीक है, हमको तो एक्स्ट्रा कुछ पैसा रोक के रखना है ताकि हमको जरूरत पड़ने पे काम आ जाए, तो उसके लिए रखा जाता है वॉल्ट कैश। सीआरआर और एसएलआर रख लेने के बाद भी अगर आपने कोई रिजर्व और रख रखा है तो हम उसे वॉल्ट कैश बोलते हैं। 10,000 करोड़ आपके पास टोटल डिपॉजिट था, 1,000 करोड़ आपको सीआरआर के नाम पर रखना था, 1,000 करोड़ आपको एसएलआर के नाम पर रखना था, तो आपने 1,000 करोड़ सीआरआर के, 1,000 करोड़ एसएलआर के अलग अलग निकाल दिए। इसके बाद अगर आपने 1,000 करोड़ वॉल्ट कैश के नाम पर और अलग निकाल दिए तो यह आपकी इच्छा है। वॉल्ट कैश रखना या नहीं रखना बैंक की खुद की इच्छा पर डिपेंड करता है, इसके लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, ठीक है। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम हमारे एग्जाम्पल पे चलते हैं। आप समझिए कि एक बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो प्राइमरी डिपॉजिट है, मतलब जो आपने कस्टमर ने क्लाइंट ने बैंक में जमा कराया है, 1,000 रुपये। अब आप देखना कि आपके जमा कराए हुए 1,000 रुपये क्रेडिट सिस्टम में कैसे हाहाकार मचाते हैं, कैसे गदर मचाते हैं। ये आपके 1,000 रुपये सीआरआर, वही लीगल रेशियो हमारा अभी हमने समझा, उसका अमाउंट है 10%। मतलब 1,000 आप जमा कराते हो तो बैंक में जितना जमा होता है उस पर 10% जो है वो एज अ सेफ्टी डिपॉजिट रोक लिया जाता है। अब हम जानते हैं सीआरआर तो प्राइमरी डिपॉजिट पे भी बनेगा तो सेकेंडरी डिपॉजिट पे भी बनेगा, हर बैंक अपना सीआरआर अलग से मेंटेन रखता है। तो देखो आप राउंड वन, मैं 3 राउंड तक आपको समझाऊंगा, ये बहुत लंबा तक जा सकता है लेकिन 3 राउंड में आपको बात समझ में आ जाएगी। राउंड वन में आपने 1,000 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसमें से रिजर्व के नाम पे 100 रुपये रोक के 900 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करा दिए, ठीक है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में 900 रुपये का सेकेंडरी डिपॉजिट आया है, इस 900 रुपये के सेकेंडरी डिपॉजिट में से 10% 90 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा अपने पास रोक लेगा और 810 रुपये का आगे लोन दे देगा, ठीक है, बात क्लियर है। 810 रुपये का जो पैसा जमा का, आप 810 रुपये का लोन लेने जो जेड आया था, ये जो जेड है एक्स ने स्टेट बैंक में जमा कराए 1,000, वाई की वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा में पहुंचे 900, और उसमें से जब 810 रुपये का लोन आगे दिया गया किसी तीसरे क्लाइंट को दिया गया तो 810 रुपये का डिपॉजिट बन गया फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक भी उसमें से अपना 10% 81 रिजर्व के नाम पर रोकेगा और 729 रुपये का आगे लोन दे देगा। ये प्रोसीजर तब तक चलता चला जाएगा जब तक कि ये जो डिपॉजिट वाला कॉलम है इसमें लगभग 0 डिपॉजिट का अमाउंट ना आ जाए। जब आप इसको इसी कैलकुलेशन को 10% और आगे निकालते जाएंगे, जैसे 4th राउंड में 729 आ जाएगा, फिर कैश रिजर्व 72.9 आएगा, जो बचेगा वो आप 5th राउंड में ले जाएंगे एज अ लोन अमाउंट। इस तरीके से जब आप इसको आखिरी तक लेके जाएंगे तो ये आपका जो अमाउंट बनेगा, टोटल डिपॉजिट आपका बन जाएगा 10,000, लोन उसमें से आप दे चुके होंगे 9,000 का और कैश रिजर्व आपका बच चुका होगा 1,000 रुपये का। ये पूरा प्रोसीजर इस अजम्पशन पे डिपेंडेंट है कि जिस बंदे ने 1,000 रुपये जमा कराए थे वो अचानक से अपने पूरे पैसे लेने नहीं आ जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये मांगने आ सकता है अपने डिपॉजिट में से, लेकिन 900 रुपये तो हमारे पास रखा ही रहेगा, इसीलिए चलो आगे लोन दे देते हैं। क्लियर है, इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। आप मेरे से मैसेज पे, कॉलिंग के थ्रू, किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर है और ऐप पे भी आप पूछ सकते हैं। नाउ ये जो पूरा प्रोसीजर है इससे एक बात हमको समझ में आ गई कि जो टोटल मनी सर्कुलेशन इस 1,000 रुपये ने क्रिएट किया है दैट इज ऑफ 10,000, उसमें से 9,000 का लोन हो गया और 1,000 रुपये कैश रिजर्व के नाम पे, तो द टोटल फ्लो ऑफ मनी क्रिएटेड बाय दैट 1,000 रुपीज इज इक्वल्स टू 10,000 रुपीज, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन, जो नेट क्रेडिट क्रिएशन है दैट इज 9,000, तो आप समझिएगा नेट जो क्रेडिट क्रिएट की है प्राइमरी डिपॉजिट को हटाने के बाद वो 9,000 है, लेकिन टोटल मनी फ्लो जो है वो कितना क्रिएट किया गया है 10,000। इसको हम बिना टेबल बनाए भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज कैश रिजर्व्स डिवाइडेड बाय सीआरआर।
1000 डिवाइडेड बाय 10% अगर आप करेंगे तो आपको 10,000 मिल जाएगा। ठीक है, ये था तरीका क्रेडिट क्रिएशन का। ठीक है, अब आप तीन तरीके की बातें हमने समझी है, एक तो प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है, और प्राइमरी डिपॉजिट के बाद में हमने बात की है से रिजर्व्स की, जिसमें SLR आ गया, CRR आ गया, वॉल्ट कैश आ गया। तो आप याद रखिएगा, क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंकिंग सिस्टम एंड प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड द रिजर्व्स का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जितने भी रिजर्व्स आप क्रिएट करते हैं, मैं पहली बार में प्राइमरी डिपॉजिट को भी शामिल कर गया उसमें, वो गलत हो गया, ध्यान से सुनिए आप दोबारा। जितने भी रिजर्व्स आप क्रिएट करते हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर, चाहे वो CRR हो, चाहे वो SLR हो, चाहे वो अपनी इच्छा से वॉल्ट कैश आप क्रिएट करते हो, रिजर्व्स का और क्रेडिट क्रिएशन का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स उल्टा मतलब, अगर आप रिजर्व ज़्यादा रखते हो तो क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाओगे, और अगर आप रिजर्व्स कम रखते हो तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा कर पाओगे। वहीं प्राइमरी डिपॉजिट के साथ में क्रेडिट क्रिएशन, या जिसे हम मनी क्रिएशन भी बोलते हैं, उसके साथ में रिलेशन डायरेक्ट होता है। जितना ज़्यादा प्राइमरी डिपॉजिट होगा इकोनॉमी में, उतना ही ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन भी होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जितना कम प्राइमरी डिपॉजिट होगा उतना ही कम क्रेडिट क्रिएशन भी होगा। आप इसको डायरेक्टली भी याद रख लेंगे, उसमें आपका एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो रिजर्व्स के साथ में मनी क्रिएशन का इनवर्स रिलेशनशिप है, जबकि प्राइमरी डिपॉजिट के साथ में क्रेडिट क्रिएशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट्स इज इक्वल्स टू पब्लिक की जो सेविंग्स है जो बैंक्स में जमा होती है, और उसके बाद में सेकेंडरी डिपॉजिट हमेशा जो है वो डेरिवेटिव डिपॉजिट्स के नाम से जाने जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। याद रखिए, क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपके एग्ज़ाम में हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप उसको बड़ा ध्यान से करिएगा। कोई डाउट आपको है पूछिएगा। आपको अगर ये पसंद आया हो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप मुझे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और आज के लिए इतना ही। लर्न इकोनॉमिक्स विद फन। बाय बाय।